स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि जीवन उत्साह न्यूज द्वारा आपके क्षेत्र में हर एक जानकारी जो आप लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, कर्फ्यू के वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही ईमानदारी के तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह की पीछे जानकारियां आ रही हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो लोगों में बड़सर और हमीरपुर के जो लोग हैं वो इस टाइम सबसे बेहतरीन लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवारों की, हमारे समाज की बात है। आज का समय जब आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस के कहर को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, हर व्यक्ति के जुबान पर एक ही बात है कि इस कोरोना वायरस से हम कैसे निकल पाएंगे। सबके कारोबार बंद है, सबका रोजगार बंद है, लेकिन इसके साथ साथ में आपका जो हौसला है वो एक बड़ी वजह है इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए। सभी राजनीतिक पार्टियां हों, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं, सभी किसी न किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों की सेवा में लग सकें, किसी तरह से लोगों की मदद कर सकें। और देखने वाली बात ये भी आई है कि बड़सर के जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जैसे कि आज हमने बात आपकी कराई, SDM साहब ने बताया 3.5-4 लाख रुपए करीब लोगों का डोनेशन अभी तक मिल चुका है प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में। तो ये सब आप लोगों की एकता का परिणाम है। और आज क्योंकि हम आए हैं विधायक इंद्र लखनपाल जी के पास में, वो भी शिमला से आ गए हैं और उन्होंने भी आज जनता को संबोधन करने का प्रयास किया है, जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ में कुछ उनके पास उनके कुछ लोग हैं जो उनके पास आज मास्क वगैरह और कुछ राशन वगैरह लेकर आए हैं, ताकि किसी गरीब आदमी की मदद इनके माध्यम से अगर कोई करने की जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। बहरहाल ये लड़ाई थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर इस लड़ाई को हम लड़ने चलेंगे तो नामुमकिन नहीं है। इसलिए हम सबको हौसले के साथ में, संकल्प के साथ में टिके रहना है। लेकिन आज हम आपकी बात करा रहे हैं विधायक इंद्र लखनपाल जी से, और इनसे भी हम आज चर्चा करेंगे इस कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि अभी तक ये पहले शिमला में थे लेकिन आज आए हैं। तो लखनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। ये महामारी का जो समय इस टाइम पूरे देश में चल रहा है, हिमाचल प्रदेश के लोग और आप सब लोग भी एक यहाँ के पिलर्स हैं लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों को एक मैसेज देने के लिए। सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से जनता को आप प्रेरित करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे विचार जानने के लिए आप हमारे बीच में आए। देखिए रमेश जी, जनता को इससे पहले भी मैं संदेश दे चुका हूँ आपके माध्यम से भी और अन्य माध्यमों के द्वारा भी। आज सबसे बड़ी जो एक विकराल परिस्थिति पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से खड़ी हो गई है, और तमाम जो एजेंसियां हैं पूरे विश्व की, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, अन्य इटली हो, ईरान हो, जहां पर इस महामारी का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ है, चाइना के एक वुहान क्षेत्र से जो बीमारी निकली और इसने पूरे विश्व को ग्रसित कर लिया, और आज पूरा जो एक मानवता जो है, मानव संसार जो है, वो एक बहुत विकट परिस्थिति में खड़ा हो गया। आज जिस प्रकार से सभी देश, विशेषकर हमारा भारत देश भी इस महामारी से गुजर रहा है, और ये एक थोड़ा सा मन को बहलाने बात वाली बात कह लीजिए, या नतीजे हमारे जो हैं अभी भारत के पक्ष में ही है जैसा कि देखने को मिल रहा है अन्य देशों के मुकाबले में, तो मैं समझता हूँ कि हमें और भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनको प्रत्येक नागरिक को मानना चाहिए और एक आगे बढ़कर इस मानवता की जंग की लड़ाई के लिए जो है हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जैसा कि लॉकडाउन और कर्फ्यू, क्योंकि आज तक कभी हमने ना तो हमने अपने जीवन में ऐसा माहौल देखा था, ना ही हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इस माहौल को देखा था। काफ़ी लंबे समय से एक खुले माहौल में हम लोग सभी जी रहे थे, और एक जो हमारी दिनचर्या विचरने की जो हो गई थी, विभिन्न क्षेत्रों में जाना, सामाजिक कार्यक्रमों में जाना, और जो हमारे कार्यक्रम होते उनमें भाग लेना, वो एक हमारी दिनचर्या का रूप बन गई थी। अब एकदम से जब लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू हुआ, तो जो हमारी जनरेशन है उसको ये लगा कि पता नहीं
हमें किन बंदिशों में बांध दिया गया है। बहुत सी घरों में समस्याएं भी आ रही हैं, जैसा कि टीवी चैनलों के माध्यम से रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, कई घरों में तो लड़ाइयां क्लेश भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से हमें उबरना है। आज चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या सभी हम राजनीतिक दल जो आज हम इस मुद्दे को लेकर इकट्ठा हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो है वो ये बात नहीं है कि कोई किसी से अलग तरह से चल रहा है। लेकिन जो आधारभूत जो समस्याएं हैं और जो आज लोगों को समस्याएं फेस करने पड़ रही हैं, उनका समाधान करने के लिए भी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और उठा भी रही है सरकार। ऐसा नहीं है क्योंकि एकदम से जब कोई चीज़ ब्लॉक हो जाए, लॉक हो जाए, तो उसमें रास्ते भी निकाले जा रहे हैं। आज भी भारत सरकार ने जैसे किसानों के लिए एक छूट दी है, उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार का, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियाँ सामने नज़र आ रही हैं कि अभी हमारी सारे किसानों की फसल खड़ी है पूरे देश के अंदर, यदि वो फसल घरों में नहीं पहुँची, बाज़ारों में नहीं पहुँची, तो आने वाला समय जो और भी भयावह होगा और महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों को अनाज की कमी हो जाएगी, खाने पीने की कमी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जनता को और जागरूक होने की ज़रूरत है और सरकार को और संवेदन होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अनाज नहीं होगा तो निश्चित तौर से भूखमरी पैदा हो जाएगी, भूखमरी पैदा हो जाएगी तो चोर बाजारी पैदा हो जाएगी। इससे जो है इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए मैं समझता हूँ सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और आम जनता को भी और आम नागरिकों को भी इसमें साथ देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत है जो जमाखोरी जो लोग कर रहे हैं आज के समय में, और ऐसे समय में भी जो अपना लाभ देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक निंदा का कारण हो सकता है। हमें सभी रूपों को देखते हुए एक ऐसा वातावरण तैयार करने की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर आज इसकी लड़ाई लड़ें। आज सबसे बड़ी मार यदि इस महामारी की पड़ेगी तो जो हमारे मेहनत मजदूरी करने वाले जो मजदूर वर्ग है और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गरीब लोग हैं, या गाँव में जो हमारे गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं, जो सुबह कमाने निकलते हैं और शाम को कमा कर आते हैं, अपने परिवार के लिए राशन पानी लेके आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। तो आज हमें राशन बैंक बनाने की ज़रूरत है, सैनिटाइजर की ज़रूरत है, मास्क की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है जागरूकता की ज़रूरत है। जो लोग आज भी कई जगह हम देखने को मिलता है, शिकायतें आती हैं, बच्चे क्रिकेट खेलने चले जा रहे हैं या लोग झुंड बना के ताश खेलने बैठ जा रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो इसमें जो एक सबसे बड़ा जो लाभ यदि इस बीमारी को बचाया जा सकता है तो सोशल डिस्टेंसिंग से बचाया जा सकता है। घरों से कम बाहर निकलें, लोगों से संपर्क कम करें, ताकि लोगों में एक आम अभी तक इस ये भावना पैदा रहती है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन जब जिस विपत्ति आती है तो वो किसी को पूछ के नहीं आएगी, जैसा कि आज माहौल बना हुआ है। अभी पिछले दिनों में जो जिस प्रकार से देश में एक समुदाय के लोगों ने जो एक वातावरण पैदा कर दिया, देश में एक माहौल खड़ा हो गया, लोग डर का माहौल पैदा हो गया, उससे भी हमें बचने की जरूरत है। और भी कई बच्चे सरकार ने, हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो उन्होंने भी अच्छे प्रयास किए हैं और उन्हीं के प्रयासों की वजह से आज हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जागरूक लोग हैं, और सभी लोग जो हैं इस लॉकडाउन का और कर्फ्यू का जो है पालन भी कर रहे हैं। कई जगह दिक्कतें भी आ रही हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है उसको दवाई लगाने के लिए या लेने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है या अन्य दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता है, तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि उसमें वो विशेष प्रकार रूप से उनको छूट रखें ताकि वो आने जाने में अपनी बीमारी के समय में दवा इत्यादि समय पर अपने लिए ले लें। तो ये इसमें कर भी रही है सरकार, और दूसरा हमें भी बेवजह पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ अपने लिए इस समय मानवता के लिए अपने लिए तो जीना ही है। औरों को भी अगर आपको अच्छा लगता है, कोई आपके सामने सुझाव होता है तो आप दूसरों को बताएं ताकि लोग इससे पार पा सकें इस महामारी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही विस्तार से लोगों को ये जानकारी देने का प्रयास किया है, और इस समय में इसमें कोई शक नहीं है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इस देश की सबसे अच्छी बात ये है, जो विविधता हमारी कही जाती है,
जब मुसीबत पड़ती है, देश के ऊपर विपत्ति आती है, तो सभी लोग एक हो जाते हैं। फिर वो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक विरोध अपनी जगह होता है, लेकिन देश के प्रति आई हुई विपत्ति के ऊपर बात करना और एक दूसरे के साथ चलना हम सबका परम कर्तव्य है। और इस समय भारत के सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग, एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ चल रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि देश पर विपत्ति का समय है और इस विपत्ति से लड़ने का एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। और हमें उन सभी लोगों का धन्यवाद करना है, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, या वो लोग सफाई कर्मी हैं, या वो सभी लोग जो आज इस सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काम कर रहे हैं, लॉकडाउन कर्फ्यू में कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना है। और ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान जो उन्होंने किया है, उसको लेकर आप जरूर कार्य करें। इस रविवार रात को 9:09 तक जो उन्होंने आह्वान किया आपसे, उसके ऊपर जरूर आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहिए और लोगों के साथ में अपना सहयोग बनाए रखिए, लोगों की मदद कीजिए। धन्यवाद आपका।